भैया गमी को टपका डालो। और मरना टपका दिया तेरे बोलने से पहले यार। हाँ गमी कैसा लगा मेरा शॉट? हाँ अच्छा लगा ना। हे भैया आपने तो एकदम कमाल ही कर दिया। आओ ये क्या बिल्ला, तुमने विलेन को भी मार दिया क्या? अब तो मजा ही आ जाएगा, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आओ टक्की टिक्की। अरे दोस्तों आज हम फिर से खेलेंगे विलेन 2। अरे बिल्ला पर आज हम कौन सा मोड खेलेंगे? हे बाबा तो हम हार्ड मोड में खेलने वाले। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों कर दो यार। और मन्ना आते मैं वेपन का पीस मिल गया, और उसे जल्दी से नीचे लेके जाना होगा। और मुन्ना अंडे वाली गन को भी बनाना होगा ना। हे भाइयो अब टेंशन ना लो यार, मैं रखता हूँ यहाँ पे वेपन का पीस। और भैया ये देखो मुझे दूसरा वाला भी वेपन पीस मिल गया, और भैया हमारी वाली गन भी मिल गई। मन्ना तो एकदम कमाल ही हो गया। और जल्दी से गोलियों को भी लोड करते हैं यार। हे भैया इसके अंदर गोली नहीं आएगी, इसके अंदर भैया अंडे आएंगे अंडे। और भैया उसको हमें जहरीले बनाने हो गए। देखो भैया ये दोनों तो सो रहे हैं। और मन्ना मैंने भी देखा। और जल्दी से यहाँ पे अंडे को भी लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये दोनों और उठ गए ना तो हमारी ढक्की इधर ही कर देंगे यार। आओ बिल्ला ने बिल्कुल सही बोला, चलो बिल्ला यहाँ से जल्दी से निकलते है। अरे गन को यहाँ पे फेंकते है और हमें यहाँ से दरवाजा खोलते है। हे बॉब मैंने यहाँ से लीवर को भी खोल दिया, और इस वाले लीवर को खोल के सीधा गार्डन वाले एरिया में चले गए। और मन्ना हमें गार्डन वाले एरिया में क्यों जाना है यार, और वहाँ पे हमको क्या काम है? हे भैया हमें वहाँ से एयर ड्रॉपर को लेके आना होगा, और भैया हमें लिक्विड बनाना होगा, वो भी भैया जहरीला लिक्विड। ओ मन्ना ऐसी बात है क्या, ये वाला क्या है? भैया ये आइस ड्रॉपर उसको मैंने ले लिया हो। अब भैया हमें सीधे जाना होगा यहाँ पे। ओ मन्ना यहाँ पे क्या है, बगीचे के अंदर है भैया, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा कटिंग पिलर पड़ा हुआ करता है ना, वो भी भैया यहाँ पे नहीं मिला। और देखो भैया यहाँ पे मुझे रेसिपी मिल गई। और मन्ना ये तो पॉइजन बनाने की रेसिपी है ना। हे भैया बिल्कुल सही बोला, हमने भैया यहाँ पे आवाज की है ना तो इविल नन और भैया उसका गमी भी यहाँ पे जल्दी आता होगा। और भैया हमको से निकलना चाहिए, नहीं तो भैया हमारी बैठी बच जाएगी। आओ बिल्ले चलो जल्दी से यहाँ से छलांग लगाते। और ये क्या, सीधा हमें जाना होगा स्कूल वाले एरिया में। इसके क्या हे बाप बिल्कुल सही बोला, हमें यहाँ से ग्लासेस लेने होंगे। और भैया हमें एक यहाँ से वो क्या बोलते हैं इसे यार, हमें गियर की तरह यूज करने के लिए वो लकड़ी भी चाहिए, जो कि भैया हमें तीसरा दरवाजा खुलवाएगी। और मन्ना ऐसी बात है क्या, और तो यहाँ पे क्या लेने जा रहा है? हे भैया सबसे पहले हमें यहाँ से वाटर को लेना होगा, उसके बाद में भैया यहाँ पे हमें और तीन चीजें वाली है। और मन्ना पॉइजन बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए वो तो बता। हे भैया पॉइजन बनाने के लिए वाटर, इंक और भैया ग्रीन पॉइजन चाहिए। सबसे पहले भैया वाटर के तीन बूंदे यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद में भैया हमें यहाँ से अपनी बाकी सारी सामान खोजनी होगी, जैसे कि भैया इंक और ग्रीन पॉइजन। और मन्ना यहाँ पे क्या है? हे भैया देखता हूँ यार, हमें पॉइजन को ढूंढना होगा। हे भैया देखो यार मुझे ग्रीन पॉइजन मिल गया, इसके भैया में दो बूंद डालने होंगे, जो कि भैया मैंने रेसिपी में देखे। ओ ऐसी बात क्या बोला, मुझे तो भूल गया था कि इसके अंदर कितने बूंद डालना है। इसके आओ हे यार मैंने यहाँ पे डाल दिए बूंद। ओ भैया सीधे अभी वो हमें इनको ढूंढना होगा, जो कि भैया यहाँ पे नहीं है। ओए मन्ना वो तो ढूंढवाने में हेल्प करता हो ये क्या, और ग्लासेस भी मिल गए। ओए मन्ना तूने यहाँ पे आवाज कर दी ना, अभी जल्दी से इविल नन की बच्ची भी आ रही होगी। हे भैया कोई बात नहीं यार, मैं नहीं डरता हूँ इविल नन की बच्ची से। ओए मन्ना चल ठीक है। और ये क्या, ओए मन्ना तुम्हारी पोर्ट ऑफ इंक मिल गया। हे भैया यही वाला था वो, मैंने उसके बूंदे ले ली, उसके बाद में भैया चलो यार यहाँ पे और इसके अंदर डालते है हमारी चार बूंदे, 1, 2, 3 और भैया 4। और भैया देखो हमारा पॉइजन बन गया है। आओ ये क्या बल्ला, हमारे ढक्कन टिक्की करने आ गया गमी। चलो बल्ला जल्दी से भागो, मुझे गमी से बहुत ही डर लगता है। इचके उचके आओ। हे बॉब टेंशन ना लो यार, मैं इससे भी तेज भागता हूँ। रुको भैया जल्दी से हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। ओए मन्ना ये तो अच्छी बात है यार, बाल बाल बच गए। ओए गमी के बच्चे ने हमें देख लिया था मन्ना। हे भैया कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो भैया मैं इनको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओ मन्ना इस पॉइजन को हमने यहाँ पे फेंक दिया, और तू वापस उसी एरिया में क्यों जा रहा है यार, और वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं यार। हे भैया कोई बात नहीं यार, वापस से उसी एरिया में जाएंगे, ग्लासेस को भी लेके आएंगे, और भैया हमारा वो गियर के बनाने के लिए लकड़ी भी लेके आएंगे। ओ मन्ना चल ठीक है। और मन्ना संभाल के यार। हे भैया ये देखो यार वो रहा लकड़ी, इसको भैया हमें लेना होगा। ये देखो भैया ब्रोकन रूलर बोलते हैं उसे।
ओए मन्ना चल ठीक है यार। ओए तो जल्दबाजी में मर मत जाइयो। हे भैया नहीं मरूंगा यार, चलो यार जल्दी से अभी चलता हूँ। और भैया तीसरे वाले दरवाजों को भी खोल देते हैं, जो कि भैया इसी से खुलने वाला है। ओ चल ठीक है। ओ मन्ना, ओ तीसरे वाले दरवाजे में हम जाके क्या करेंगे? हे भैया वहाँ पे भी एक सीक्रेट है यार। ओ मन्ना जल्दी से बताना कौन सा सीक्रेट है यार। हे भैया वो मैं आपको उधर ही जाके बताऊंगा। ओ चल ठीक है, ओ जैसी तेरी इच्छा यार। हे भैया चलो यार, हम ये तीसरे वाले दरवाजे में आ गए और भैया यहाँ पे होने वाला है हमारा टेलीस्कोप, जिसकी मदद से हम उस रोड के पापा को भी मिल पाएंगे। ओए मन्ना इसके अंदर रोड का पापा भी आता है क्या? हे भैया इसके अंदर रोड का पापा भी आता है। हे भैया देखो यार मुझे यहाँ से क्रोबार मिल गया। ओए मन्ना इससे क्या होगा? हे भैया इससे चौथा वाला दरवाजा भी ओपन हो सकता है। देखो भैया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आओ फिर तो मजा ही आ जाएगा भल्ला चौथे दरवाजे में जाके इसके अंदर क्या होने वाला है। क्या हे बॉब, ये एक चर्च का एरिया है जहाँ पे जाके हम इविलन को मार पाएंगे और हमारी गन को भी बना पाएंगे। ओए मन्ना, ओए हमने गन तो पहले से बना कर रखी है, और किसकी गन बनानी है हमें? हे भैया वो आपको समझ में नहीं आएगा यार, ये लिक्विड को मैं उस वाटर के अंदर डालूंगा, उसके बाद में भैया अंडे को भी हम उसके अंदर भिगाएंगे, उसके बाद में वो जहरीले अंडे भैया मारेंगे ना तो इविलन की बच्ची मरेगी और उसके बाकी पेट भी भैया। ओ मन्ना मैं समझ गया, ओ जिसको डालना का है वो तो बता। हे भैया इसको यहाँ पे डाला है देखो यार होली वाटर में, और भैया वो जहरीला वाटर बन गया। अब भैया इसके अंदर हम अपने वाले अंडे डालेंगे और उसके उनको भैया लोड करके इविलन को भी मार पाएंगे। ओ मन्ना समझ गया तेरा सारा प्लान यार। ओ अभी जल्दी से हमें गन को लाना होगा ना। हे भैया गन को तो मैं ला दूंगा, टेंशन मत लो भैया। आओ ये क्या बल्ला, तेरी गन तो इधर ही पड़ी है, चलो उसको लेके जल्दी से ऊपर चलते हैं और इसकी ढक टिकी करने में और भी मजा आएगा। इचका उचका सबसे पहले उस गमी को मारना, क्योंकि इस गमी ने हमको बहुत ही परेशान किया। इचका उचका हे बॉब इसको सबसे पहले मारेगी यार, टेंशन ना लो, जो भी पहले मिलेगा ना उसकी ढक्की टिकी पहले हो जाएगी। ये देखो भैया मैंने यहाँ पे अंडे को भिगो दिया। ओ भैया जहरीले अंडे बन चुके हैं, यानी कि भैया जिसको भी मारेगा ना ये हमेशा हमेशा के लिए मर जाने वाला है। ओ मन्ना ये तो एकदम कमाली है, धोती भर के रुमाली वाली चीज हो गई। ओ मन्ना तो यहाँ पे कर क्या रहा है वो तो बता। हे भैया मैं यहाँ पे आवाज करके विलन को बुलाऊंगा, जल्दी से भैया ये दरवाजा बंद करो, नहीं तो भैया वो कभी भी आ सकती है। ओए मन्ना वो तो समझ गया, ओए मगर तू यहाँ पे आवाज करेगा तो वो हमारे पास ही आ जाएगा ना, वो भी हम आड़ मोड़ में खेले हो तो दौड़ती हुई आएगी यार। ओए हमें संभाले, ओ ये क्या इविलन आ गई है भैया, टेंशन ना लो यार, इविलन को तो मैंने एक चटके में मार दिया। देखा ना भैया मेरा कमाल। ओ मन्ना तेरा आइडिया तो एकदम तोड़ने फोड़ने वाला आइडिया यार, और मजा आ गया। और ये गमी का बच्चा कहाँ मिलेगा? हे भैया गमी भी आ जाएगा, रुको यार। हे गमी तू भी आ जाओ। हे भैया आ गया गमी, मारो भैया। और मन्ना ये क्या गन तूने नीचे फेंक दी क्या? हे भैया अब क्या करे? ओ मन्ना गमी से इतने डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओ ये हमेशा चाटता ही रहता है, ओ ये हमें मारने वाला नहीं है। और आ जा गमी, ओ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हे भैया आ गया गमी, ओ मारो बिल्ला। हे भैया मैंने यार गमी को मार दिया फाइनली, ओ मजा आ गया। अरे गमी का बच्चे कैसा लगा आज का जहरीला गोली? अगर पसंद आए तो लाइक करना। हे बॉबे तो मर गया। और भैया देखो यार इविलन भी मर चुके हैं। ओ मन्ना इसके घसीट घसीट का तोड़ फोड़ के मारेंगे यार, मजा आएगा। आओ चलो बिल्ले इसको छोड़ो यार, हमें बाकी सारा काम भी निपटाना है ना। इसके क्यों? हे यार बाप बिल्कुल सही बोला। चलो भैया बाकी के सारे काम निपटाते हैं और भैया यहाँ से गेम को खत्म करते हैं। ओ मन्ना चल ठीक है, ओ अब कहाँ जाएगा यार? हे भैया मैं ऊपर जाऊंगा और बाकी सारे पेट को मारने के लिए, जैसे कि भैया रोस्टल और मिस्टर शीतो बाकी है ना। ओ मन्ना इन दोनों को तो भूल ही गया, रोस्टल और मिस्टर शीतो अभी बाकी है यार। ओए वो कहाँ घूम रहे होगे मन्ना? हे भैया दरवाजा बंद करता हूँ यार, उसके आने का इंतजार करता हूँ। ओए मन्ना इधर इंतजार करना, ये वाला दरवाजा बंद के इधर इंतजार करते, ओ ये वाले दरवाजे को बंद करते और उसको आने दो यार, छोड़ेंगे नहीं यार। हे भैया आने दो, ये भैया रोस्टल आ चुका है और भैया लगता है मिस्टर सी भी आ रहा है। ओ मन्ना ये क्या, मगर वो इधर ही क्यों रुक गया? और रोस्टल के बच्चे अंदर आए, भैया इसको मार दिया रोस्टल को। ओ ये क्या बल्ला, रोस्टल तो मर गया पर उसके पीछे तो अभी मिस्टर सी खड़ा है, वो अंदर क्यों नहीं आ रहा बल्ला? हे बॉब टेंशन ना लो यार, वो भी अंदर आएगा, अभी हमारे पास दो गोली और बाकी है। ओ मन्ना तो यार गोली को फेल मत कर देना, ओ नहीं तो हमारी बैंड बज जाएगी। हे भैया और देख के यार, नहीं तो भैया मिस्टर सी अंदर आ गए ना हो तो हमारे को मार डालेगा, उसकी भैया सिक्स पैक बॉडी है और भैया वो हमको मार देगा।
ओ मन्ना टेंशन ना ले यार, और एक गोली तो हमारी फेल हो गई और दूसरी गोली को भी मारता हूँ यार। ओ मन्ना दरवाजा बंद कर दू क्या? हे भैया कर दो यार, अभी यहाँ पे थोड़ा इंतजार करते हैं। आओ बिल्ला बिल्कुल सही बोला है, हमें ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या पता मिस्टर सी अंदर आ जाएगा ना तो हमारी टक टिकी करके रख देगा। इचका उचका, हे बाप टेंशन ना लो यार, दरवाजा खोलता हूँ और धीरे से उसको टपका देता हूँ। ओ मन्ना ये तो दौड़ रहा है यार, और छोड़ने वाला नहीं हूँ। और रुको जा बच्चू, और मैंने फिर से यार और गन को लोड कर दिया और मन्ना मैंने उसको मार भी दिया। हे भैया एक गोली तो आपने फेल कर दी थी ना, और मन्ना मैं फिर से गोली को लेने के लिए जा रहा था, और मन्ना मैंने उस शॉर्टकट पर दिखा दिया। हे भैया अब तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आपने तो धोती फटके रुमाल वाला काम किया है। इवी लड़ को भी मार दिया और उसको गमी को और भैया रोस्टल और मिस्टर सी को भी मार दिया है। अब तो भैया हमें सामान खोजनी है और भैया यहाँ से स्केप करके निकल जाएंगे। आओ क्या बात है बल्ला, अब तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें सामान खोज के यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा अच्छा हे बॉब, अब तो हमें यार यहाँ से सामान खोजनी है, उसके बाद में यहाँ से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले भैया स्कूल वाले एरिया में आ जाते हैं और भैया यहाँ से हमारा चश्मा उठाते हैं। ओ मन्ना वो ग्लासेस कहाँ पड़ा होगा यार? हे भैया इधर तो था ना ग्लासेस, ये देखो भैया यहाँ पे होगा। ओ मन्ना मैं तो भूल गया, और ग्लासेस कहाँ था यार? हे भैया इस वाले रूम में था यार, कहाँ गया? ओ मन्ना मुझे लगता है हमने गलती कर दी और वो दूसरे रूम में होगा। ओ चलो उधर जाकर देखता हूँ, ओ क्या पता वहाँ पे मिल जाए। हे भैया यहाँ पे नहीं है यार, ये तो हम लैब में आ गए। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे है क्या? ओ मन्ना यहाँ पे है क्या? ओ ये मिल गया। हाँ भैया इसी का तो इंतजार था। चलो भैया दरवाजा खोल के सीधा नीचे जाएंगे और भैया ग्लासेस को नीचे रख के आते हैं। ओ मन्ना तो बिल्कुल सही बोला, इसके बाद में यहाँ पे हमको जरूरत नहीं रहेगा आने की। हे भैया बिल्कुल सही बोला, चलो भैया यहाँ पे फेंकता हूँ और भैया बाकी सारी चीजों को भी उठाना होगा। और मन्ना ग्लासेस को तो हमने नीचे ला दिया ना, और अब कौन सी सामान बाकी है यार? हे भैया रुको यार, हमें ग्रीन हाउस की भी चाहिए, क्योंकि भैया हमने वहाँ पे कटिंग पिलर को नहीं देखा था। ओ मन्ना ऐसी बात है, ये मिल गई देख, और ग्रीन हाउस की मिल गई। हे भैया कमाल हो गया, चलो अभी नीचे चलते हैं। आओ चलो बिल्ला, अब सीधे हमें गार्डन वाले एरिया में चलते हैं और वहाँ पे ग्रीन हाउस की को लगा के वहाँ से हमें कटिंग पिलर को भी लेते हैं और हमारी बैटरी भी मिल जाएगी। इचका उचका, हे बाप बिल्कुल सही बोला, चलो भैया सीधे चलते गार्डन वाले एरिया में। ओ मन्ना चल यार, मैं तो कब से रेडी यार, और हमें बैटरी को भी लाना होगा ना, उसके पास में ग्लासेस को भी लगाएंगे और तभी रोड का पापा दिखेगा यार। हे चलो भैया हम गार्डन वाले एरिया में फाइनली पहुंच चुके हैं। अब भैया मैं सामने वाले दरवाजे में ग्रीन हाउस की लगाऊंगा और भैया दरवाजा खुल जाएगा। ओ मन्ना ग्रीन हाउस तो खुल गया, और वायर कटर भी मिल गया, और अब क्या करना होगा मन्ना? हे भैया यहाँ पे सारी स्विचों को ऑफ करना होगा, ये सारी लाइटों को ऑफ करेंगे ना तभी भैया इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, नहीं तो भैया हम वायर कटने जाएंगे ना तो हमको झटका लगेगा भैया 440 वोल्ट का। ओ मन्ना ऐसी बात है क्या? ओ ये तो मैं भूल ही गया था यार, और चलो चारों चारों लाइट को मैंने बंद कर दिया। ओ यहाँ पे अपने वायर को काटते और बैटरी को भी ले लेते यार। हे भैया बैटरी को मैंने ले लिया और वायर भी काट दी। चलो अभी यहाँ से आवाज करते हैं और भैया निकलते हैं यहाँ से। आओ टक टिक्की, अरे बिल्ला हमको आवाज करने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इविल नन और उसके बाकी सारे पेट को भी मार दिया। इचका उचका, हे बॉब ये तो मैं भूल ही गया था। ओ मन्ना तो तू क्या याद रखता है यार, और जल्दी से चलो, और बैटरी को भी हमें यहाँ पे लगाना है ना। हे भैया लगाना तो है, चलो सीधे ऊपर चलते हैं। और भैया बैटरी को लगाऊंगा, उसके बाद में भैया हमें को यहाँ पे ग्लासेस को भी लगाना होगा टेलीस्कोप के अंदर, वो भी भैया हमने नीचे रख के आया है ना। ओ तो मन्ना जल्दी से लेके आना, ओ कितना टाइम लगाता है यार। हे भैया ये क्या यार, मैं तो रास्ता ही भूल गया। आओ टक टिक्की, अरे बुल्ला हमें यहाँ पे रोड का पापा मिलेगा ना तो हम उसके पास से आइसक्रीम खाएंगे। इचका उचका, क्योंकि मुझे जोर से भूख लगी। इचका उचका, हे बाप तुझे आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, पहले रुक जा यार, मुझे ऐसे ग्लासेस को तो लाने दे। ओ मन्ना ग्लासेस तो हमने ऊपर फेंके थे ना। हे भैया ग्लासेस तो हमने यहाँ पे फेंके थे, पता नहीं भैया वो कहाँ हो गए। ओ मन्ना ये रहे ग्लासेस, और जल्दी से कोई लेंस को उठाता हूँ और जल्दी से नीचे चलता हूँ ट्रैप डोर के अंदर से यार। हे भैया अभी हमें इविलन की सिस्टर एंडा के पास भी जाना होगा, क्योंकि भैया उसके पास जो मेन डोर की चाबी है वो हमें नीचे गिरानी है यार। ओ मन्ना एंडा के पास चाबी है क्या? और फिर तो यार मजा ही आ जाएगा, और जब भी वो आइसक्रीम लेने आएगी ना, और तभी हम उसको डरा के उसकी चाबी नीचे
गिरवा देगा यार। और वो सीधे हमारे और गटर वाले एरिया में से गार्डन वाले एरिया में पहुंच जाएगी। हे भैया वो तो मुझे भी पता है, मगर भैया मुझे यहाँ से कोड कोड डाल के यहाँ से हड्डी को भी लेना होगा। हड्डी की मदद से भैया हम उसका आइसक्रीम नीचे गिरा देंगे। मेरा पासवर्ड क्या था यार, मैं तो भूल ही गया। हे भैया 6619 था ना। और मन्ना मानना पड़ेगा तेरा दिमाग तो एकदम धोती फाड़ के रुमाल वाला है यार। हे भैया जो भी चीजों को मैं देखता हूँ ना मैं भूलता नहीं हूँ, अगली तो डॉट भूलता नहीं है भैया। और मन्ना तुझे तो हड्डी मिल गई, अब इससे क्या करेगा यार। हे भैया अब इस हड्डी को हमें ऊपर लेके जाना होगा और भैया उसका खाना गिराना होगा। तो जल्दी से भैया ऊपर खाना खा रही है ना, उसका खाना भैया मैं गिरा दूंगा। और भैया मैंने यार नीचे घंटी बजाई है ना, तो भैया नीचे आएगी। ये देखो भैया वो नीचे जा रही है, जल्दी से विंडो को ओपन करो और भैया उसका बॉक्स नीचे गिरा दो। भैया उसका सारा आइसक्रीम नीचे गिरा दिया और भैया वो दूसरे आइसक्रीम को ऑर्डर करेगी, वो भी भैया रोड के पापा को फोन करके। ये देखो भैया यहाँ पे वो आएगी और भैया रोड के पापा को फोन लगाएगी और भैया उसका ऑर्डर हो जाएगा। और तभी भैया हम बैटरी को लगा के ग्लासेस को भी लगा देंगे और भैया नीचे देखेंगे और उसको डरा के भैया चाय भी ले लेंगे। और मैंने तू तो कितना ज्यादा बोलता है यार। हे भैया बोलना तो पड़ेगा ना। चलो भैया जल्दी से नीचे चलो यार, हमें भैया ग्लासेस को भी लगाना है। ओए मुन्ना मैं तो थक गया यार, और मेरे से अभी और नहीं चला जाएगा। हे भैया चलना तो पड़ेगा ना। चलो भैया मेरे साथ में आ जाओ। आओ चलो बल्ला इस वाले ग्लासेस को उठाते और सीधा ऊपर चलते, उसके बाद में हम टेलीस्कोप के अंदर इसको लगाएंगे और फिर देखेंगे रोड का पापा बाइक लेके आ रहा है कि नहीं। इचका उचका हे बाप, चलो यार तेरे लिए आइसक्रीम भी तो खरीदनी है ना। चलो भैया सीधे ऊपर जाएंगे और भैया टेलीस्कोप के अंदर ये वाले लेंसेस को लगा देंगे और उसके बाद में भैया देख पाएंगे। ओए मन्ना जल्दी से लगा दे यार, और नहीं तो रोड का पापा आ भी गया होगा। आओ टक्की टिक्की, अरे बल्ला मुझे भी देखने देना अंदर क्या दिखता है। इचका उचका हे बाप, कुछ नहीं दिखता यार, मुझे यहाँ से देखना है रोड का पापा कब आएगा। ओए मन्ना हमने एक्टिवेट तो कर दिया यार, और रोड का पापा अभी तक क्यों नहीं आया। हे भैया ये देखो रोड का पापा आ गया हो, और भैया आइसक्रीम का साथ में डिब्बा भी लेता है। अब तो भैया उसकी सारी आइसक्रीम हम लोग खा लेंगे। ओए मन्ना ये कहाँ जा रहा है यार। हे भैया वो घंटी बजाने जा रहा है, उसके बाद में भैया विलन की बहन एंडा आ जाएगी उसका माल लेने के लिए। ओए मन्ना ऐसी बात है क्या, और इसने क्या किया यार। हे भैया ये क्या देखो, ये तो भैया इसका सामान खोद के सीधा यार आइसक्रीम का डिब्बा निकाला और ये भैया उस एंडा को देने वाला है। ओए मन्ना अंडा क्यों नहीं आई यार। हे भैया ये देखो ये अंडा भी आ गई। अब भैया अंडा को डराएंगे और उसकी चाबी भैया है ना वो गिरा देंगे सीधे गटर के अंदर और भैया वो लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओए मन्ना इसके पास पैसा भी तो नहीं है ना, और लगता है वो तो हाथ जोड़े यार। हे भैया उसके पास पैसा नहीं है, वो लगता है फोन पे करेगी। ओए मन्ना मजा छोड़ दे, और चाबी गिरा दी क्या। हे भैया चाबी को मैंने गिरा दिया और भैया मैंने उसको डरा भी दिया। ओए मन्ना वो तो हिचकिया ले रही है यार, और ये रास्ता कहाँ पे जाता है यार। हे भैया वो रास्ता सीधे गार्डन वाले एरिया में चलता है। चलो भैया सीधे गार्डन में चलते हैं और भैया मेन डोर की लेके यहाँ से निकल जाएंगे वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ओ मन्ना तब तो मजा ही आ जाएगा, तोड़ फोड़ देंगे और धमाल ही हो जाएगा। और हमने तो और ईवी लंड को भी मार दिया, उसका सारे पेट को भी मार दिया। ओ मन्ना यानी कि हमने हार्ड मोड में गेम को कंप्लीट कर दिया ना। हे भैया अभी गेम कंप्लीट नहीं हुई यार, अभी तो भैया लास्ट तक देखना होगा जीत किसकी होती है। और चुन्नू कहका, और तू मजाक करा है ना, और मुझे पता यार, और तू बड़े भैया के साथ मजाक ही करेगा ना, और क्या करेगा। हे भैया यार सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था यार। ये देखो भैया सेवर के अंदर से चाबी को निकालो और भैया यहाँ से भाग जाओ। ओए मन्ना देखो मन्ना मेरे पास 2.5 किलो की मेंढक की चाबी आ गई, अब तो मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, और ना कि विलन की बच्ची और उसकी अंडा भी नहीं यार। हे भैया कमाल ही हो गए, आज तो भैया हम गेम को विन कर गए। ओए मन्ना मेंढक कहाँ पे यार। हे भैया सीढ़ी को ऊपर चढ़ो ना, तब तो दिखाई देगा मेंढक, तब तो भैया आप चाबी लगा पाओगे। ओए मन्ना चल ठीक है, और हमारी गन तो यहाँ पे पड़ी है, और हॉस्टल के बच्चे हम यहाँ से निकल रहे हैं, और मिस्टर सी के बच्चे हम भी यहाँ से निकल रहे हैं यार, और तुझे भी आना है क्या। हे भैया वो लोग मर गए, वो लोग नहीं आएंगे। चलो भैया हमें निकल जाते हैं। ये लगे हमने पेड लॉक की और भैया निकल जाते हैं। ओए मन्ना ये ले, और 2.5 किलो की चाबी भी घुमा दी, और मन्ना दरवाजा खोल दिया। ओ ये क्या सामने भी एक दरवाजा है क्या। हे भैया इसको भी यार धक्का मारो, ये अपने आप ही निकल जाएगा। और मन्ना ये क्या, और गमी भी आ गया, और जल्दी से भागो नहीं तो गमी पकड़ के यार सीधे घर में घुसा डालेगा यार। हे भैया अभी ऐसा नहीं होगा यार, अब इसके घर के बाहर आ गए तो भैया इसके घर के बाहर किसी की नहीं चलेगी, अब तो भैया होगी तो डांट की चलेगी।
ओ मन्ना यानी कि हमने गेम को विन कर डाला ना, मजा आ गया, धोती फाड़ के रुमाली हो गया। हे दोस्तों, तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना। ए गाइस, तो चलो यार, आज का शाउट आउट जाता है मोगी द डॉन की तरफ से आप सभी को एकदम बड़ा वाला और वर्ल्ड का बेस्ट शाउट आउट। आओ दोस्तों, मेरी तरफ से भी आप सभी को टक्की टक्की करने वाला शाउट आउट। दोस्तों आप सभी को तो पता है ना, जैक की तरफ से हमेशा एक ही फंडा रहता है, वो भी तोड़ फोड़ देने वाला 2.5 किलो वाला फंडा। तो आज भी जैक 2.5 किलो का शाउट आउट देगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से 2.5 किलो का शाउट आउट। इसमें कोई शक है तो बोल लेना। ए भैया, इसमें कोई शक नहीं यार। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी। मिलते हैं आप सभी को एक नई वाली वीडियो में। बाय।